मनी जो भी है वो बाहर आना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो ये बोले, जिसके पास ब्लैक मनी वो भी यही बात बोलेगा कि देश की जो ब्लैक मनी है वो बाहर आनी चाहिए। अभी जैसे नेता विपक्ष ने कहा कि 90% ब्लैक मनी 500,000 के नोट के फॉर्म में है। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ थोड़ा सा। ब्लैक मनी ठीक है जो करेंसी का फॉर्म है हमारे पास, जो करेंसी वो 90% 500,000 के नोट के फॉर्म में, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक मनी कोई अगर व्यापारी है, कोई सरकारी नौकर है, तो वो गोल्ड के फॉर्म में या रियल इस्टेट के फॉर्म में रखता है, वो जमीन के फॉर्म में रखता है, वो फ्लैट के फॉर्म में रखता है। दिल्ली का एक व्यापारी, रांची का एक व्यापारी गोवा में अपने नाम बेनामी नाम से फ्लैट लेकर रखता है, तो वो कोई व्हाइट मनी नहीं रहती है, वो ब्लैक मनी रहती है। सरकार के इस कदम का हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गई जिसका मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी। सरकार ने ये बात कहा कि हम 10 महीने से तैयारी कर रहे थे, लेकिन 500,000 के नोट बंद करने के बाद ATM में 2,000 के नोट पहुंचे नहीं। मोदी जी ने 8 तारीख को बड़े जोर शोर से कहा कि आप कल जाइए और बैंक से आप 4,000 रुपये निकाल सकते हैं, ATM से आपको 2,000 रुपये निकलने मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त कोई आम आदमी ये बात नहीं जानता था कि जिस ATM से वो 2,000 निकालने की बात कर रहे हैं, 4 लाख भारत में 4 लाख ATM में 2,000 का नोट पहुँचा ही नहीं, उसमें वो मशीन लगी नहीं जिसमें 2 लाख रुपये पहुँच पाए। सरकार ये बात ठीक है कि हम सब जान रहे हैं कि NDA सरकार ये बोल रही है कि वो ब्लैक मनी में बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन मैं कुछ फैक्ट आपके सामने लाना चाहता हूँ। 4-5 महीना पहले, ये कदम उठाने के 4-5 महीना पहले, एक आम आदमी $75,000 देश के बाहर ले जा सकता था। उसके बाद उसको बढ़ा करके $1,25,000 कर दिया गया। कुछ दिन बाद उसको उसे बढ़ा करके $2,50,000 कर दिया। अब एक आम आदमी $2,75,000 तक अब देश से बाहर ले जा सकता है। तो जिसके पास ब्लैक मनी था, आप तो उसको पहले ही चेता करके से उसका सारा ब्लैक मनी देश के बाहर भेज चुके हैं। आप बात कर रहे हैं कि कैशलेस इकोनॉमी बनाइए, ठीक बात है। अभी आकर जी आप सुबह कोई भी यहाँ पे अखबार खोलेगा तो सबसे पहला पेज पेटीएम से भरा रहेगा। पेटीएम करो, हम लोग कितने लोग कैशलेस इकोनॉमी को सहम किए, कितने लोग कैशलेस इकोनॉमी से सहमत है। आज हमारे किसान जब शहर में अपना सामान बेचने आता है, अपना धान बेचने आता है, वो सड़क किनारे किसी ढाबे में खाएगा, अपनी लुंगी में अपनी धोती में वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेकर नहीं आता है, वो 100 रुपये 50 रुपये के नोट लेकर आता है। एक मिनट मैं भूल जाएगा, कल मेरी मेड ने मुझे कहा, मेरी मेड ने वो लड़की जो मेरे घर में काम करती है, उसने मुझसे कहा कि भैया चाय नहीं करती है, 14 साल के ऊपर कहा कि भैया मेरे पास भी ब्लैक मनी है। मतलब तुम्हारे पास ब्लैक मनी है? उसने कहा हाँ। मतलब कैसे? मतलब पिछले महीने की जो सैलरी मिली थी उसमें आपने 500 रुपए का नोट दिया था, वो खर्च नहीं हो पाया, मेरे पास भी ब्लैक मनी है। उसको ये नहीं पता कि उसकी मेहनत की कमाई है, और ये गरीब जो आज मेहनत से कमा रहा है, आज उसकी मेहनत की कमाई को भी सरकार ने ब्लैक मनी बना दिया है। आज किसी को समझ नहीं आ रहा है। आपकी जानकारी गलत है, अनुरोध है उनका पक्ष उन्हें रखने दे। मेरी जो जानकारी गलत है मैं बैठ जाऊंगा तब आपसे अनुरोध हो कि आप उसे सही करें।